दोस्तों पहले यूपी के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह और अब एमपी की पीसीएस अफसर निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद दोबारा नौकरी में लौटने की कयासबाजी के बीच आम आदमी के दिमाग में ये सवाल बार बार उठने लगा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये अधिकारी जब चाहे नौकरी ज्वाइन करें और जब चाहे छोड़ दें। क्या अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरह के अधिकारियों की रीज्वाइनिंग हो सकती है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका क्या रूल और रेगुलेशन है। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह सांसद चुनाव लड़ना चाहते थे। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने अक्टूबर 2023 में अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति ज्वाइन करने का ऐलान किया था। यूपी सरकार ने करीब 5 महीने बाद उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया था। तब से चर्चा शुरू हो गई थी कि अभिषेक सिंह जौनपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने वहां से कृपा शंकर को मैदान में उतार दिया। उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि अभिषेक सिंह अपनी नौकरी में फिर से ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता निशा बांगरे के साथ भी हुआ। निशा बांगरे ने डिप्टी कलेक्टर के पद से अक्टूबर 2023 में ही इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उन्हें पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया। वे बैतूल जिले के आमला सीट से विधानसभा का टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया। इसके बाद से वे अब अपनी नौकरी में वापसी करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार में आवेदन करने के साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय मांगा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों अफसरों की क्या रीज्वाइनिंग होगी? दोस्तों आपको बता दें कि इस्तीफे की एक समय सीमा होती है, उसके बाद सरकारी कर्मचारी को दोबारा नौकरी ज्वाइन करना संभव नहीं होता। अखिल भारतीय सेवाएं 1958 के अनुसार यदि सरकार इस्तीफा मंजूर कर लेती है तो फिर दोबारा ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को सरकारी पद छोड़ना पड़ता है। राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के बाद दोबारा नौकरी में लौटने का भी रास्ता बंद हो जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं 1958 के रूल 5 क्लॉज 5 ए के अनुसार इसमें एक रास्ता ही बचता है कि अगर सरकार ने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है तो उसके नौकरी में दोबारा पोस्टिंग का रास्ता खुला रहता है। आईएएस और आईपीएस जैसी नौकरियों में ये रूल है कि अधिकारी चाहे तो 3 महीने के अंदर अथवा जब तक सरकार ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है तब तक वापस ले सकता है। लेकिन सरकार ने इन दोनों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया था। अब जानते हैं उस अपवाद के बारे में। दोस्तों जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी शाह फैजल ऐसे अपवाद स्वरूप हैं जिन्होंने राजनीति में उतरने के करीब 5 साल बाद अपनी दोबारा नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि उनका इस्तीफा सरकार ने मंजूरी नहीं किया था। आपको बता दें कि 2010 बैच के टॉपर आईएएस अफसर शाह फैजल ने 5 साल पहले इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतरे थे, लेकिन अब वह राजनीति छोड़कर अपनी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।